बिहार में कई स्कूल है, कई छात्राएं स्कूल में छुट्टी लेती है या बस बीच में ही स्कूल छोड़ देती है। माता-पिता आमतौर पर छात्राओं को स्कूल छोड़ने या घर पर रहने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि लड़कियां आमतौर पर स्कूल से छुट्टी लेती हैं क्योंकि वे सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने का खर्च नहीं उठा सकती है। मासिक धर्म शुरू होने पर माता-पिता अपनी लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते हैं क्योंकि वे पैड खरीदने का खर्च नहीं उठा सकती है। लड़कियां पैड की जगह कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इससे लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है और वो पिछड़ जाती है। लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 8वीं से 10वीं कक्षा तक की स्कूली छात्राओं को उनके निजी इस्तेमाल के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए सालाना 150 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह योजना केवल बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए है। इन स्कूलों में करीब 37 लाख छात्राएं हैं और उन्हें हर साल 60 करोड़ रुपए का फंड मिलता है। यह फंड लड़कियों को पैड खरीदने, स्कूल जाने और छुट्टी लेने और स्कूल छोड़ लेने से बचने में मदद करने के लिए है। ऐसे में सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि बिहार के सारण जिले के हलकोरी सा हाई स्कूल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने देखा कि लड़कियों को पैड खरीदने के लिए जो धनराशि दी जानी थी वह वास्तव में लड़कों को भी दी गई थी। लड़कों को सैनिटरी नैपकिन का कोई उपयोग नहीं है और धन केवल लड़कियों के लिए ही था। इसके बाद प्रधानाचार्य ने अजय कुमार सिंह को सूचित किया, जो जिला शिक्षा अधिकारी है। उन्होंने मामले की जांच के लिए अब एक कमेटी का गठन किया है। जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियों को स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए पैसे अब लड़कों पर बर्बाद किए जा रहे हैं।